चाहे टॉस होता हुआ एक तरफ है गौरव लखावटी की टीम और दूसरी तरफ भाई बात करें अर्जुन स्टेडियम जींद की टीम भाई एक तरफ गौरव लखावटी की टीम है तो भाई दूसरी तरफ बात करें भाई अर्जुन स्टेडियम जींद की टीम है भाई साथ मैच स्टार्ट होता हुआ पहली रेट अर्जुन स्टेडियम जींद की तरफ से फतेहपुर पुट्टी बागपत कबड्डी टूर्नामेंट का ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल का अंतिम मुकाबला सॉरी भाई सेकंड राउंड का अंतिम मुकाबला है इसके बाद क्वार्टर फाइनल देखने को मिल गए आपको 8 टीमें बची हैं टोटल जिसमें भाई जेडी एकेडमी है फकरपुर है बसी बागपत है अर्जुन स्टेडियम जींद है अहरी झज्जर है एक टीम इसमें से जो जीतेगी वो है और एक इटावा टीम है मुकाबला स्टार्ट होता है साथियों पहली मैच अर्जुन स्टेडियम जींद की तरफ से भाई अर्जुन स्टेडियम जींद एक ऐसी टीम है जो हरियाणा में टूर्नामेंट होते हैं ना चाहे प्रो चले या ना चले उस समय पोजीशन में रहती है टीम हर जगह लेकिन इसमें कुछ खिलाड़ी भाई चेंज है इस समय अर्जुन स्टेडियम के सामने अर्जुन थे भाई और अर्जुन को शांत किया बड़ा मुकाबला भी 15-5 का मुकाबला और भाई टाई लगा दी है और हाथ नहीं निकल पाया भाई कैच लगा दी भाई पहली रेड में दोनों तरफ से कैच देखने को मिली है विशाल चौधरी गांव शेरपुर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी भाई लेकिन पहला पॉइंट मिलता हुआ किसी भी रेडर को दो एक स्कोर एक और नए खिलाड़ी नए रेडर युवा रेडर वंश का आगमन हुआ है विपक्षी कोर्ट में वन टच पॉइंट भाई सॉरी भाई ये एक्स्ट्रा के रूप में पॉइंट मिला क्योंकि खिलाड़ी सेल्फ आउट हो गया था पहला मैच भाई जेडी एकेडमी और इटावा का देखने को लेगा क्या बेहतरीन भाई रनिंग है टच 3-2 स्कोर है दो तीन स्कोर विशाल इस समय फिर से भाई साइड किक लगा दी और लॉबी के बिल्कुल नजदीक से निकल गया भाई मुकुल एंकल होल्ड करने के लिए आया एडवांस कामयाबी मिली फिर से तो लगभग दोनों टीमों अर्जुन स्टेडियम प्रदर्शन एक जैसा है और एक तीन चार स्कोर तो स्कोर बराबरी पर पहुंच जाएगा इसके बाद जेडी एकेडमी की टीम तैयार है एक और भाई साइड किक लगा दिया विशाल लगातार तीसरा पॉइंट और तीनों कॉर्नर को टच करके पॉइंट लिया तीन पांच स्कोर मल्टी पॉइंट एंड स्कोर बराबर हो गया भाई भाई स्कोर पांच पांच तो दोनों टीम तैयार है फिर से लीड लगा अपने पास ये मैच होगा 6-5 स्कोर फतेहपुर पुट्टी कबड्डी टूर्नामेंट में भाई अच्छे अच्छे
मुकाबले लगातार देखने को मिल रहे हैं। मुकाबला फिर से बराबर हुआ है, 6-6 बराबर। मल्टी पॉइंट रेड विशाल, 4 रेड 5 पॉइंट, 5 में से जो 4 पॉइंट अर्जित किए हैं वो 4 कॉर्नरों को बाहर करके किए भाई। बोनस प्लस 1 फिर से बराबर, 8-8 स्कोर बराबर। कॉर्नर फिर से तो एक और मल्टी पॉइंट रेड, क्या यहां से भी मल्टी पॉइंट देखने को मिलेगी। किक लगा दी भाई कॉर्नर को, परेशान कर दिया भाई दोनों तरफ से। 9-10 स्कोर है, स्कोर भाई 9-10। लेकिन यहां भाई परफेक्ट रेड आई है, स्कोर भाई फिर से बराबर हो गया 10-10। पूरी तरह से भाई मुकाबला बराबरी पर भी अर्जुन स्टेडियम जिंदगी कोर्ट में रेड करता हुआ 10-10 स्कोर बराबर। लीड में आगे भाई पहली बार इस मुकाबले में अर्जुन स्टेडियम जी, जो हड्डी वाले के नाम से फेमस थे, और इनका 10-11 स्कोर एक पॉइंट मिलता हो, स्कोर हो गया भाई बराबर 11-11। एकमात्र रेडर जो पॉइंट निकाल रहे इधर अर्जुन, बाहर जाना होगा डिफेंस करते समय। फिर से लीड अर्जुन स्टेडियम में, तो भाई डॉक्टर साहब अभिनव हमारे बीच में उपस्थित थे और आपके साथ है कपिल पटेल जी, और भूतपूर्व प्रधान जी, इन सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है यहाँ अपना कीमती वक्त देने के लिए। हालांकि ऐसे लोगों के पास समय नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर पूरी वर्षों का सम्मान किया है, ये धन्यवाद की बात है और सम्मान की बात है। अगली टीम जीडी एकेडमी और इटावा दोनों स्कोर है 11-12। एक और पॉइंट मिलेगा अर्जुन स्टेडियम जींद को, जो मुश्किलें पड़ रही थी भाई, और एक पॉइंट लकावड़ी की उनमें, और आउट होने का खतरा वैसे कहते भाई कंगाली वाटा गीला, और आटा गीला हो गया है लास्ट खिलाड़ी बचे हैं इस समय गौरव कोर्ट में। बोनस को ओपन कर दिया भाई, बोनस तो मिल जाएगा आसानी से। 11-14 का स्कोर है, बुलंदशहर के लखाउटी और भाई ऑल आउट पॉइंट मिलेंगे भाई 3 अर्जुन स्टेडियम जींद को, और एक पॉइंट मिलेगा लखाउटी को।
17 बारे का स्कोर है, 5 पॉइंट की लीड आ गई स्टेडियम जीत के पास। और जो रास्ते की तरफ है ये नए तरीके से अपने कोर्ट में पहुंची है, क्योंकि टीम ऑल आउट हो गई थी तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 12-17 स्कोर है। विशाल भाई लगातार पॉइंट अर्जित किए थे। स्कोर 12-17 सकारात्मक। अच्छा अभी है, अब उसी के साथ यहाँ पर सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए मल्टी पॉइंट कल्याण जी की टीम को अगर अपना कल्याण करना है तो अब सही दिशा में कदम उठाने पड़ेंगे। कमाल की थी भाई, शायद कितनी जबरदस्त था। कारगर साबित हो गई यहाँ पर हैंड टच करने की जो कोशिश की गई वो नाकाफी साबित हुई। डेयरी एकेडमी विद्यालय अगले मैच के लिए तैयार है। 13-19 स्कोर। जबरदस्ती भाई टैकल है सेकंड से, लेकिन इसका ही कमाल है। और इसको 20 पर पहुंच गया है। 13-20 इसको। और अभी ये 13 यूके एकेडमी उत्तराखंड की जो टीम थी उसने चमत्कार किया था। पहले हाफ में खेलने के बाद दूसरे में शुरुआत की और मैच हाई स्कोर में ही समाप्त हुआ। दोनों हाफ में स्कोर बराबर, 5-14 स्कोर बराबर, गोल्डन रेड से फैसला हुआ था। बहुत ही अच्छे बैक बैक मारे, बहुत ही अच्छे। यहाँ चल रहा है 15 का 12 का नहीं है देख ना किसने गई 15 का है, देखना दो चल रहा बंद कर ले बड़ी घड़ी चल जा थोड़ा कर दूंगा। 15-20 स्कोर। अगला मैच जेडी एकेडमी और इटावा, दोनों टीम तैयार हो गए। अगले मैच की तो जेडी एकेडमी इस मैच की समाप्ति में कोटी कब्जे में, तीन टाइम आउट है, भाई स्कोर की बात करें तो 15-20 का स्कोर है। मध्यांतर भाई, मध्यांतर के समय 16-20 का स्कोर। साथियों हाफ टाइम के समय स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर है 16-20, 4 पॉइंट की लीड में सवार जोन स्टेडियम जींदा। इसके बाद देखिए करेंगे रिटायर की तैयार रहे देखो सही नहीं मार करेंगे करंट राउंड में 16-21 इसको। बहुत ही बढ़िया फुटबॉल मोमेंट, थिएटर का चौकर ना दिया
या लेफ्ट और राइट कॉर्नर को अपना टारगेट बनाने की कोशिश की, लेकिन कब्जा उस पर नहीं मिला। अर्जुन स्टेडियम जींद के कोर्ट पर रेड करता हुआ खिलाड़ी, 16-21 का स्कोर। और भाई क्या अच्छी लगा दी एडवांस भाई कैच देखने को मिल रही है अर्जुन स्टेडियम जींद की तरफ से। 16-22 स्कोर, लीड आ गई 6 पॉइंट की। सोलह 23 हो अंतर, बड़ा होता हुआ धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर लेना नहीं चाहिए था। 17-23 कल्याण की आवश्यकता है, सिंगल पॉइंट से काम नहीं चलेगा, मल्टी पॉइंट चाहिए। मल्टी पॉइंट रेड है भाई, चौबीस साथियों मुकाबला के बाद फिर स्टार्ट होता है। 19-24 का स्कोर है, अर्जुन स्टेडियम जींद इस समय लीड कर रहा है। लीड 6 पॉइंट की, थोड़ी सी ज्यादा फोर्स से डैश किया रेडर को कि कोई मौका ही नहीं था अपना सम्मान बचाने का। और इसी के साथ मुझे लग रहा कि आम के आम के बॉडी लैंग्वेज में बिखर गया, फैंस बिखर गया, रेडर प्रेशर में आ रहे हैं लखावटी के, और अर्जुन स्टेडियम जींद इस समय एकजुट होकर कार्य कर रहा है। 19-26 अंतर भाई 7 पॉइंट का। इसमें अर्जुन स्टेडियम ने अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर दिया कि कोई चमत्कार। अर्जुन स्टेडियम का पलटा आपस में बोनस अर्जुन क्या अर्जुन का तीर निशाने पर लगेगा, अभी तक तो लगा नहीं भाई, हालांकि पॉइंट जरूर अर्जित किए हैं लेकिन डिफेंस का सपोर्ट नहीं मिला। और एक और भाई अजय का टैकल देखने को मिला, बोनस जरूर मिला, ऑल आउट मिलता हुआ Thank you.
टाइम का ध्यान रखना है भैया आप और दोनों टीमों का खिलाड़ी ये बात ध्यान रखो कि तुम यहाँ देव पुत्री का खेल रहे हो जो भी तुम्हारे यहाँ पर महिला भाई यहाँ पर कवर ने भाई कमाल कर दिया 21-33 स्कोर ऐसी स्थिति में चला गया कि इसमें कल्याणपुर की तरफ से अब औपचारिकता है और इटावा और जेडी अगर डिफेंस भाई दोनों तरफ से लूज हो रहा है इसमें 22-34 स्कोर 12 पॉइंट का अंतर है एक और टैकल मिलेगा समय हालांकि भाई बहुत है अभी 23-34 का स्कोर है लेकिन अर्जुन स्टेडियम जीत की भाई तारीफ करनी होगी जिस तरह का मुकाबला खेला है भाई कमाल कर दिया भाई सर कमाल कर दिया भाई डिफेंस में 22-35 स्कोर क्या ज्यादा से डिफेंड का मुजाहिरा पेश किया गजब कर दिया असंभव को संभव करके एक पॉइंट दिया वरना लगभग 98% तो पॉइंट चला गया 22-23-35 स्कोर है भाई 12 पॉइंट का अंतर है इस समय अपना इतना मजबूत कर दिया कि उसे ढीला कर रहा विपक्षी टीम के पास आसान नहीं होगा 5 मिनट से मैच की समाप्ति में और यहां पर अगर बहादुरी से काम लिया जाए अल्पे 5 मिनट का सबशेष भाई और स्कोर है 23-36 24-37 स्कोर है भाई 25-36 4 मिनट का समय शेष है26-37 स्कोर 11 पॉइंट की लीड भाई अर्जुन स्टेडियम जीत इस समय करीब भाई 3.5 मिनट के आसपास का समय शेष है 3 मिनट मैच की समाप्ति आप कह सकते हैं पूरी तरह से मुकाबला अर्जुन स्टेडियम जीत ने शिकंजा कस रखा है और प्रतिशत के दायरे में बताऊं तो 90-95% इस मैच के ऊपर शिकंजा अर्जुन स्टेडियम का है एक और एमपी राइट 26-38
और भाई समय काटते हुए दो घंटे समय से और ये डू अडाई रेड है। दोनों टीम तैयार है। मुकाबला भाई समाप्ति पर है, बिल्कुल अंतिम क्षण। अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। मैं समाप्त होता हूँ साथ स्कोर की बात करें तो 27-38 के साथ भाई इस मुकाबले में बाजी मारी अर्जुन स्टेडियम गेम में। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।